सर सर, किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया था। इतनी जुरत? अग्रवाल मैंशन में आकर ऐसी हरकत की? कौन है वो? या, तुम्हें उसका चेहरा याद है? नहीं अर्जुन, अंधेरे में मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाई। हाँ, मैं उसकी आंखों से उसको पहचान सकती हूँ। वो यहीं कहीं भीड़ में छुपा होगा। कहीं ये काम करण ने तो नहीं? अग्रवाल मैंशन में अपने आदमी भेजे? क्यों, कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है क्या? Are you out of your mind, करण? तुम कुछ होने के लिए वेट कर रहे हो? और क्या कहा था उस दिन तुमने मुझे कि मैं कुछ नहीं कर पा रही? एटलीस्ट मैं तुम्हारी तरह ऐसे स्टूपिड प्लान्स तो नहीं बना रही। इना पहेलियों में बात मत करो, मुझे बताओ क्या हुआ है। अग्रवाल मेंशन में तुम्हारे आदमी ऐसे घूम रहे जैसे वॉक पे निकले हैं। मैंने भी उनसे कहा था वापस आ जाने को। But they were so sure of that plan. सीनियर ने देख तो नहीं लिया। And they failed, Mr. करण माथुर. They failed terribly. अच्छा हुआ तब अंधेरा था, उसने उनका चेहरा नहीं देखा। लेकिन अर्जुन अब पागल सांड की तरह उन दोनों को ढूंढ रहा है। जीना, तुम वहीं पर हो, इस सिचुएशन को हैंडल करो। अगर अर्जुन ने उन्हें पकड़ लिया, मेरा नाम जरूर आएगा। आई कांट अफोर्ड दैट। कुछ करो, कुछ करो। हाँ, मुझसे पूछ के किया था ये सब प्लान? आई विल ट्राई कर, आई कांट प्रॉमिस। आई होप तुम्हारे आदमी अर्जुन के सामने अपना मुंह ना खोले। I'm sorry, पर आप सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप हमारे मेहमान हो, आप इससे कई हमारे पहचान वाले हैं और कई सिर्फ पूजा के लिए आए हैं। लेकिन अभी अभी हमारे घर पे जो हुआ है उसके लिए अनफॉर्चुनेटली फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। कोई रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट? कैसे रिक्वेस्ट अर्जुन? तुम्हारी इज्जत मतलब हमारी इज्जत है, हम सब समझ सकते हैं। तुम शुरू करो। थैंक यू, थैंक यू। रिया, एक एक करके ध्यान से देखो और पहचानने की कोशिश करो। इधर आओ। ये नहीं अर्जुन। क्या ये अर्जुन? वो एक आदमी है, औरत नहीं है। फाइन,
हे भगवान, वो आदमी पूरे दिन हमारे आसपास घूमता रहा और कोई उसे पहचान नहीं सका। हमारी दिया से उसको क्या दुश्मनी हो सकती है? वो इसको क्यों नुकसान पहुंचाना चाह रहा था? चल बेटा, चल 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 बैठ उधर। दिया, तुम ठीक तो हो ना? ये लो पानी पियो। रिलैक्स दिया, वो जो कोई भी है ना, हम उसे ढूंढ निकालेंगे, तुम चिंता मत करो। पर भाभी, वो था कौन? दिया, तुम इतना मत सोचो उसके बारे में। अर्जुन गया है ना उसे ढूंढने, आई एम श्योर वो उसे ढूंढ निकालेगा। बुरी खबर है तुम्हारे लिए, अर्जुन को पता चल गया है कि वो अटैक तुम्ही ने करवाया था। करण, क्या सोच के ये सब प्लान किया था तुमने? हाँ, अर्जुन के होते हुए उसी के घर पे तुम दिया पर अटैक करवाओगे? really? वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो आदमी अर्जुन के हाथ नहीं आया, नहीं तो उसी आदमी का स्टेटमेंट यूज करके अर्जुन तुम्हें अकेडमी से बाहर फेंकवा देता। अर्जुन के हाथ कोई प्रूफ तो नहीं लगा? आई डोंट नो करण, लेकिन ऑल आई कैन टेल यू इज अर्जुन अभी चुप नहीं बैठने वाला। और अगली बार ऐसा कुछ प्लान करने से पहले ना एक बार मुझसे पूछ लेना। इस घर में मैं हॉलीडेज नहीं मना रही, आई एम हियर फॉर अ रीजन। इस करण ने मेरी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। एक बार फिर बिना कुछ किए दिया को घर वालों की सिंपथी मिल गई। भाभी और दादी तो वैसे भी अर्जुन को पूजा में देखने के बाद दिया की तारीफों की पुल पाती है। नो नो, आई कांट लेट दिस हैपन। इससे पहले कि माधुरी आंटी का भी मन बदल जाए, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे माधुरी आंटी की नफरत में दिया के साथ साथ दिया और अर्जुन का रिश्ता भी जल जाए। क्या बोल रही हो टीना बेबी? अरे भगवान, 3 घंटे के लिए मैं घर पर क्या नहीं थी? इतना बड़ा ड्रामा मैंने मिस कर दिया। सब कुछ तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट होता है क्या निहारिका? मुझे हेल्प करने की जगह तुम्हें ड्रामा सोच रहा है। और वो दिया, पता नहीं कैसे हर बार सब कुछ अचानक से उसके फेवर में चला जाता है। कभी वो 200 लोगों का खाना बना लेती है तो कभी प्रतिमा की टूटी हुई बेदी उसे दिख जाती है, और आज वो अटैक। पता नहीं कैसे उससे माधुरी आंटी की सिंपथी मिल ही जाती है। डैमन, अब टीना बेबी एक बात बताओ, क्या सच में वो गुंडे करण माथुर ने भेजे थे? मुझे क्या पता निहारिका, अर्जुन को बस करण पर शक है। अच्छा, अब मतलब मुझे लगा कि तुम दोनों ने लास्ट टाइम एक दूसरे की हेल्प की थी तो लास्ट टाइम मुझे उसकी जरूरत थी तो मैंने उसकी हेल्प मांगी थी। अब उसने क्या प्लान किया मुझे कोई आइडिया नहीं है। सिनी बेबी, मुझे लगा कि तुम दोनों की दुश्मनी दिया से है, तो क्या पता तुम दोनों मिलके कोई प्लान बना रहे। प्लान अब हमें बनाना पड़ेगा निहारिका, कुछ ऐसा प्लान कि माधुरी आंटी को दिया के नाम से भी नफरत हो जाए। दीपिका, बन्नो, दिया। दादी, जैसा आपने कहा था, पूजा के लिए कमल के फूल। गिन लिया? पूरे 108 है ना? जी दादी, पूरे 108 है। चल, अच्छा हुआ। और दादी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, कल अष्टमी की पूजा है, इन 108 फूलों के बिना अष्टमी पूजा पूरी नहीं होती। और इसीलिए मुझे इनकी बहुत चिंता रहती है। पता है एक बार क्या हुआ, एक साल 108 की जगह 107 ही फूल थे। वो तो भला हो, मुहूर्त खत्म होने के पहले वो एक फूल मिल गया, नहीं तो पूजा अधूरी रह जाती। दीपिका, मैं सोच रही थी इस बार इन फूलों की जिम्मेदारी क्यों नहीं हम दिया को दे दें? जी दादी, आपने बिल्कुल सही कहा। माधुरी को भी अच्छा लगेगा।
वैसे भी जब से अर्जुन को माधुरी ने पूजा में देखा है ना, उसके बाद से वो दिया को काफी पसंद करने लग गई है। ये ले, इन फूलों को संभाल के रखना। बेटा, बाजार में इन फूलों की बहुत किल्लत रहती है, इसीलिए मैं एक दिन पहले इनका इंतजाम कर लेती हूँ। अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि इनको धो के और पूरी तरह गिन के संभाल के रखना, समझ में आए? याद रखना, एक भी फूल कम नहीं होना चाहिए। हाँ दादी, मैं ध्यान रखूंगी, एक भी फूल नहीं खोएगा। मुझे पता है दादी, अगर इनमें से एक भी फूल कम हो गया तो माँ की पूजा नहीं होगी। ठीक है, मैंने रख देती हूँ संभाल के। जी दादी। सॉरी भगवान जी। अब देखती हूँ दिया की बच्ची कि तुम 108 कमल के फूल कहाँ से अरेंज करती हो। अष्टमी वाले दिन तो तुम्हें ये फूल मिलने से रहे सुबह सुबह, और अगर मिल भी गए तो क्या ही कर लोगी, क्योंकि मुहूर्त तो निकल जाएगा ना अष्टमी की पूजा होने से रही। और दादी अपनी प्यारी सी अच्छी सी बहू को कैसे बचाती है अब वो भी देख लो। इन फूलों को संभाल के रखना, बाजार में इन फूलों की बहुत किल्लत रहती है, अब ये तेरी जिम्मेदारी है, एक भी फूल कम नहीं होना चाहिए। सुबह का ड्रामा देखते हैं। सॉरी भगवान जी, माफ करना। खाना खा लेना, और मिठाई भी है, तुम्हारी फेवरेट। वैसे जितना खड़ूस दिखता है उतना खड़ूस है नहीं, गुस्सा है खड़क सिंह जैसा, लेकिन मनाने पे आओ तो बच्चों की तरह जल्दी से मान भी जाता है। चाकर देखूं क्या, क्या कर रहा होगा? नहीं, क्या ही कर रहा होगा, सो गया होगा। कहीं फिर से ड्रिंक तो नहीं कर रहा? आज हमले के पीछे करण माथुर का नाम सुनकर वैसे थोड़ा अपसेट हो गया था, एक बार जाकर देख ही लेती हूँ क्या कर रहा है। आते वक्त एक बार फूल चेक कर लूंगी। पहले फूल चेक कर लूँ क्या? नहीं, पहले अर्जुन के पास जाती हूँ, फिर फूल चेक कर लूंगी। हो गया है। मैंने सारे के सारे फूल खराब कर दिए, और वो भी ऐसे 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 ऐसे। कल सुबह जब मम्मी जी उठकर देखेंगी ना तो उनकी होश उड़ जाएंगी। आई एम सुपर एक्साइटेड। ये काम मेरे लिए बहुत ही इजी था टीना दीदी, बहुत इजी। ऐसा किया तुमने? हाँ हाँ। अरे निहारिका, उन फूलों को देखकर ये भी तो सवाल उठेंगे कि फूल खराब किए किसने।
और वो चालाक लड़की दिया वो हर बार की तरह इस बार भी प्रूव कर देगी कि उसने कुछ नहीं किया। एंड गिवन योर हिस्ट्री विद दिया वो सबके सामने ये ना बोल दे कि तुम इन्हें फूल खराब किए। बेबी ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं। हे भगवान अगर दिया ने मेरी पोल खोल दी तो मैं क्या करूंगी। आई एम सो क्लूलेस। यू आर यूजलेस। मैं क्या करूं। हे नो आई एम नॉट। अभी जाके सारे के सारे फूल वापस जोड़ कर आती। यार क्या रुको क्या तो कहां जा रही हो तुम? इधर आओ तुम। अरे क्या हुआ? कभी कभी ना मैं सोचती हूँ कि तुम बचपन से ही इतनी स्टूपिड हो कि इस घर में आके तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। बेबी निहारिका अगर फूल खराब हो चुके तो वो सही होंगे कैसे? अरे हाँ सुनो तुम एक काम करो तुम जाओ जाके सो जाओ। हाँ और जो तुम्हारे पास नहीं है ना उसे यूज मत करो। क्या नहीं है टीना बेबी? दिमाग। अब कल के तमाशे का वेट करते हैं देखते हैं दिया के साथ क्या होता है। हे माता रानी ये क्या हुआ? ये फूलों की हालत कैसे हुई? दीपिका क्या होगा? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ भाभी आप रो क्यों रहे हो? माँ वो कमल के फूल। क्या फूल क्या बता तो सही। माँ वो कमल के फूल सारे खराब हो गए। क्या ये तू क्या कह रही है बेटा? ऐसे कैसे फूल कैसे खराब हो गए? माँ पता नहीं कैसे। आप चलिए मेरे साथ माँ प्लीज चलिए। हे भगवान और कर लो भरोसा। क्या कह रहे थे तुम अर्जुन? मेरा वर्कलोड बढ़ गया है ना। जिम्मेदारी देने का नतीजा देख लो। क्या हाल हो गया फूलों का? अब क्या होगा? पूजा का मुहूर्त निकलता जा रहा है। अब इतने सारे फूल 108 फूल एक साथ कहां से मिलेंगे? माता रानी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। अरे बाप रे हे भगवान ये क्या हो गया? ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब कोई लापरवाही के साथ ऐसे खुला छोड़कर जाए। मम्मी जी मुझे तो ऐसा लग रहा है इसके ऊपर से कोई बिल्ली चलकर गई होगी। पंजे के निशान भी है ये देखिए दादी। ये ले इन फूलों को संभाल के रखना। अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि इनको धो के और पूरी तरह गिन के संभाल के रखना। समझ में आया? कितनी गैर जिम्मेदार है ये लड़की। इतनी लापरवाही से कोई पूजा का सामान रखता है। भगवान जाने क्या होगा। इस घर में पहली बार अष्टमी की पूजा नहीं होगी उस लड़की की वजह से। माँ दुर्गा की पूजा अधूरी रह जाएगी। अब मैं क्या करूं? बताइए माँ अब मैं क्या करूं? सब मेरी गलती है। मुझे उस लड़की को पूजा में आने ही नहीं देना चाहिए था। हे भगवान अष्टमी पूजा का क्या होगा?
क्षमा प्रार्थी हूँ पंडित जी, थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैंने बोला हुआ है बस फूल आते ही होंगे, आप प्लीज बाकी का इंतजाम कीजिए ना। पापा आप किसी बात की चिंता मत करिए, मैं जल्दी से कमल के फूल मंगवा रहा हूँ। ओके श्रीमान, आपको फूल मिल भी गए तो फायदा क्या, तब तक तो मुहूर्त निकल चुका होगा। पंडित जी कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है, आप बाकी इंतजाम कीजिए ना, मैं देखता हूँ। ठीक है। ये दिया के घर में फोन क्यों लग रहा है? मुझे लग रहा है वो वहीं पे है, एक बार फिर से ट्राई करके देखता हूँ। अरे अर्जुन क्या कर रहे हो, दिया के घर में फोन करो ना। वही कर रहा हूँ, फोन लग नहीं रहा है। अर्जुन आई होप दिया कोई प्रॉब्लम में ना हो। निहारिका कुछ कहा है, सुबह से दिखाई नहीं दिया, सो रहा है क्या अभी तक? अरे नहीं भैया वो नहीं सो रहा है, वो उसके दोस्त है ना उदय, उसके घर गया है, आ जाएगा अंजलि से पहले वो। माता रानी, माता रानी, माता रानी मुझे माफ कर देना, उस लड़की की वजह से आज पहली बार इस घर में आपकी पूजा में अड़चन आई है माँ। माँ गलती मेरी है, सारी मेरी गलती है, मुझे अपने हाथों से पूजा का पूरा इंतजाम करना चाहिए था, मुझे माफ कर देना माँ। माधुरी ये क्या कर रही हो तुम, अष्टमी की सुबह सुबह इस तरह रोना धोना नहीं चाहिए, अशुभ होता है। मैंने कहा ना ड्राइवर को भेजा, चिंता मत करो फूल आ जाएंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं आज एक साथ इतने सारे फूल मिलना नामुमकिन है, अगर सुबह सुबह पता चलता तो 108 फूल मिल भी सकते थे, मगर अब तो सुबह के 9 बज गए हैं। श्रीमान फूल आते आते तो मुहूर्त निकल जाएगा, अगर ऐसा होगा तो इस बार अष्टमी का पूजा अधूरी रह जाएगा। माँ को विधिकर विराजित करके पूजा अधूरी रखना अशुभ साबित हो सकता है। नहीं पंडित जी, अष्टमी की पूजा अधूरी नहीं रहेगी। दूसरों की तारीफ काफी चुभती होगी ना कानों में, और मुझे ये भी पता है कि दिया की बातों ने आपको काफी हैरान और परेशान कर दिया होगा। लुक एट यू, क्वाइट ऑब्वियस। प्लीज आगे खोलो दिया, दिया दिया से उठो बेटा, दिया उठो, उठो बेटा, इसके पैरों में तो खून आ रहा है। दिया अरे ये तो सांप ने काट दिया निशानी। अर्जुन से उठा ना, उठा इसे। दिया उठो, डॉक्टर को फोन करो, आंखें खोल दिया, ये कुछ नहीं होगा तुम्हें दिया। अर्जुन इसकी आंखें बंद हो रही है, इसे सोने मत दे अर्जुन। दिया आंखें बंद करना, दिया ये तुम्हें कुछ नहीं होगा, दिया दिया यू आर अ फाइटर, सोना मत, आंखें खोलो। दिया बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा दिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा दिया। प्लीज उठो दिया, जल्दी से कपड़ा लेके जहर नहीं फैलेगा। अर्जुन बेटा जल्दी कर, इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जा, पता नहीं डॉक्टर कब आएगा। दिया दिया हम हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है दिया यू आर अ फाइटर, तुम आंखें बंद करना, सोना नहीं है, कुछ तुम कहो तुम जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंचो, अर्जुन गया है प्लीज। हे माँ दुर्गा, वो लड़की आपके लिए फूल लाने गई थी माँ, उसकी रक्षा करना माँ,
कुछ गलत मत होने देना। दिया तुम्हें कुछ नहीं होगा, आगे खोलो दिया। डॉक्टर मेरी वाइफ को सांप ने काट लिया है डॉक्टर। दिया सोना नहीं, याद है दादी ने क्या कहा था, तुम्हें हिम्मत और हौसला दोनों है, सोना नहीं दिया। डॉक्टर मेरी वाइफ को सांप ने काट लिया। ओह माय गॉड, जहर काफी फैल चुका है। लेके जाओ अंदर, लेके जाओ अंदर, लेके जाओ। इन्हें यहां लाने में ज्यादा देर तो नहीं होगी। डोंट वरी, हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर मैं भी चलूंगा, आप अपना ट्रीटमेंट करना, मैं साथ रहूंगा तो उसको हिम्मत मिलेगी। डॉक्टर मैं भी चलूंगा, कुछ बोलो ना। अर्जुन शांत प्लीज। We understand your condition, Mr. Arjun. But please let us do our job. Doctor! Arjun! Arjun, उन्हें अपना काम करने दे। Doctors कुछ नहीं होने देंगे दिया को, प्लीज। लेकिन कुछ डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला कि दिया को लाने में देर ना हो गई हो, प्लीज। अर्जुन बैठ। अर्जुन भगवान पे भरोसा रख, दिया को कुछ नहीं होगा। अर्जुन प्लीज, अर्जुन काम डाउन, अर्जुन उसे कुछ नहीं होगा, प्लीज 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 मेरा बच्चा प्लीज। आज मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में दी। ना मैं तुमसे शादी करता ना ये सब होता। मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड कर दी। मैं तो बस तुम्हारा सपना पूरा करना चाहता था, लेकिन हुआ क्या? अगर तुम पर अच्छी बहू प्रूफ करने का प्रेशर नहीं होता ना, तो तुम बिना बताए घर से नहीं निकलती। ये ले, इन फूलों को संभाल के रखना, याद रखना एक भी फूल कम नहीं होना चाहिए। सब मेरी गलती है। आज महाअष्टमी है, महिषासुर मर्दिनी का दिन। आज के दिन माँ दुर्गा हर डर, हर भय, हर दुष्ट प्रकृति और बुरी शक्तियों का नाश करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम सब मिलकर प्रार्थना करें तो वो जरूर हमारा सुनेगी। पंडित जी सुमन, अंजलि का समय हो गया है, घर का जो माहौल है ऐसे में कैसे? नहीं पंडित जी, आप चिंता ना करें, आप अंजलि का इंतजाम करें। नहीं, हम अंजलि नहीं देंगे। क्यों माधुरी? अगर हम अंजलि ना दें तो अष्टमी की पूजा संपन्न नहीं होगी। दिया को घर आने दीजिए, उसके बाद हम अंजलि देंगे। मुझे नहीं आता तुमसे कुछ मांगना वांगना। आज तक अपने लाइफ में होने वाली हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने खुद ली है। ना कभी तुमसे कुछ मांगा और ना ही ब्लेम किया। कम या ज्यादा जिंदगी में जो भी मिला, ना ही उसके लिए तुमसे शिकायत की और ना ही तुमसे नाराज हुआ। लेकिन आज मांग रहा हूं और तुम्हें देना पड़ेगा। प्लीज उस लड़की को बचा लो, प्लीज उस लड़की को बचा लो। कुछ
मुझे कुश क्या हुआ है? हाँ तुम मुझे वहां से यहाँ क्यों लेकर आए? मैं तब से पूछ रही थी हुआ क्या है बोलोगे भी तुम बताओ निहारिका कि तुम्हें क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? अरे जब से दिया इस घर में आई तब से उसके पीछे पड़ी हो, क्या दुश्मनी है तुम्हारी उसके साथ? मेरी क्या दुश्मनी है उसके साथ? अगर दुश्मनी नहीं है तो कमल के फूल खराब क्यों किए तुमने बताओ? मैंने नहीं खराब किया है, पूरे घर वालों को पता है कि वो फूल बिल्ली के चलने से खराब हुआ है, मैंने नहीं किया है। और वैसे भी हाँ, वैसे भी दिया की जिम्मेदारी है, उसको देखना चाहिए, वो मिडिल क्लास लड़की, उसे क्या पता है? हाँ बिल्ली तो ऐसी आ जाएगा ना कहीं भी। और कितना झूठ बोलोगी हा? कितना झूठ बोलोगी? इल्जाम तक तो ठीक था खुश, लेकिन अब तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है? सबूत चाहिए तुम्हें सबूत चाहिए? है मेरे पास सबूत। उसके पहले मुझे ये जानना है कि ये सब तुम क्यों कर रही हो और किसके कहने पे कर रही हो। तुम तो ऐसी नहीं थी निहारिका, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ क्या हुआ है? इतनी शातिर? हाँ देखो कुछ, मैंने फूल नहीं खराब किया है, अगर तुम्हें ये बात मानना है तो मानो, तुम्हारी मर्जी। मुझे जो मानना है मैंने मान लिया, अब तुम मानोगी अपनी गलती, वो भी सबके सामने। तुम्हें दिया से माफी मांगनी पड़ेगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया सबको सच बता दूंगा, वो भी सबूत के साथ। क्या हुआ कुछ, इतने गुस्से में क्यों था? टीना बेबी कुछ को सब कुछ पता लग गया है कि वो फूल मैंने खराब किया था। उसने कहा है कि अगर मैंने सबके सामने दिया से माफी नहीं मांगा ना तो पूरे सबूत के साथ वो घर वालों को सब सच सच बता देगा। और उसे ये भी लगता है कि ये प्लान सिर्फ मेरे अकेले का नहीं था। क्या किस्मत है मेरी, मेरा पति है वो और साथ दे रहा है उस दिया का। बीबी प्लीज कुछ करो, मेरी मदद करो, कोई आइडिया दो टीना बीबी। एक आइडिया है निहारिका। क्या? यही करना पड़ेगा टीना बेबी। अब तुम देखो मैं कुश के साथ क्या ड्रामा करती हूं। क्या हुआ दिया, तुम्हें दूध पसंद नहीं है क्या? भाभी ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है? वो इसमें दूधेश्वर है। दूधेश्वर क्या? मतलब इसमें मलाई है और मुझे मलाई पसंद नहीं है। चुपचाप पी जाओ, बच्चों की तरह नखरे मत करो। मैं 10 तक काउंट करूंगा, मेरी काउंटिंग खत्म होने तक ये दूध खत्म हो जाना चाहिए। पर 1 2 3
चार पांच छह सात आठ नौ खराब लगा खराब लगा। ये सब करके ना तुम दूध से बच नहीं पाओगी। लाओ दिया। दीपिका दीपिका सब नीचे आ जाओ, अंजलि शुरू होने वाली है। दिया तुम आराम करो, मैं जाती। अर्जुन मुझे भी अंजलि देनी है। बचपन से लेकर आज तक मैंने एक भी अष्टमी अंजलि नहीं मिस की। प्लीज ले चलो। बिल्कुल नहीं। अपने आपको देखो कितनी वीक हो गई हो, खुद के पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही हो, अंजलि कैसे दोगी? अर्जुन व्हील चेयर पे बैठे बैठे दे दूंगी, लेकिन तुम मुझे लेकर चलो प्लीज। बिल्कुल नहीं। अर्जुन ये क्या बात हुई भला? अंजलि के लिए माँ ने मेरा वेट किया, अब मैं ही अंजलि में नहीं रहूंगी तो। मैंने कहा ना नहीं, नहीं मतलब नहीं, चुपचाप सो जाओ। बाबा होते तो कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेते, लेकिन मुझे अंजलि मिस नहीं करने देते। अब तुम इमोशनल ब्लैकमेल करोगी मुझे? ठीक है, दादी की एक व्हील चेयर है, मैं लेके आता हूँ। जिद्दी अर्जुन, थैंक यू। हाँ माँ, आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं ठीक हूँ माँ। मैं माँ दुर्गा के लिए फूल लेने गई थी, सुबह के 5 बज रहे थे ना, इसीलिए मैंने किसी को नहीं उठाया, सब सो रहे थे, किसी को बताती तो परेशान हो जाते ना। हाँ माँ, बाकी सब ठीक है। अब माँ माँ सुनो, मेरी बात सुनो माँ, आरती का समय हो रहा है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। हाँ माँ, हाँ बाय। भाभी अच्छा किया मैंने माँ को सांप वाली बात नहीं बताई, वरना माँ खामा का बहुत ज्यादा परेशान हो जाती। हाँ दिया तुमने बहुत अच्छा किया। दिखाओ। परफेक्ट। अब लग रही हो तुम बहुत प्यारी। अब तुम रेडी हो गई हो अपनी पहली आरती के लिए। चलो अब नीचे चलते हैं, आरती का मुहूर्त हो गया है। चलो भाभी, कितना अच्छा होगा ना अगर आज शाम की आरती में अर्जुन भी आ जाए तो। अब तो आइडियाज भी खत्म हो गए हैं मेरे पास, कैसे बुलाऊं उसे आरती में। दिया अर्जुन नहीं आएगा क्योंकि धुनुची नाच घर के सारे जेंट्स मिलकर करते हैं और उसमें पापा भी होंगे, और तुम तो जानती हो ना पापा और अर्जुन की इक्वेशन, इसलिए अर्जुन नहीं आएगा, मैं जानती हूँ। देखो अर्जुन, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और डिमांडिंग तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, तुम बस आरती में आ जाना। भाभी पता नहीं मेरा मन कह रहा है भाभी कि आज शाम की आरती में अर्जुन मेरे लिए जरूर आएगा। ये वाला तो मेरा फेवरेट है जो तुम धनुजी नाच के वक्त पहना। किसने कहा तुम्हें? भाभी एक बार अर्जुन के कमरे में जाके देख ले, क्या पता उसने आरती में आने का मन बना लिया हो। आप भी प्रे करना कि ये चमत्कार आज हो ही जाए। हाँ दिया मैं प्रे करूंगी,
जो तुम सोच रही हो वो सच हो जाए। दीपिका, दीपिका। रिया, मुझे दादी बुला रही है, मैं जाती हूँ। तब तक मैं जाकर अर्जुन को देख लेती हूँ। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन क्या तुम वॉशरूम में हो? नहीं दिया, अर्जुन घर पर नहीं है। मैंने अभी अर्जुन को घर से बाहर जाते देखा। रिया, स्पेशली आज के दिन अर्जुन घर पर नहीं रहता है। क्यों सोच सोच कर अपना मन छोटा कर रही है? क्या? ठीक है, आप वहीं पे रुकिए, मैं अभी आता हूँ। चलो नीचे चलो, आरती के लिए माँ इंतजार कर रही है। अर्जुन को आरती में ना देखकर माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एक मिनट भाभी, मैं अर्जुन को कॉल कर लेती हूँ। आज इस सच को मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। स्विच ऑफ होगा, है ना? दिया, मत करो कोशिश। चलो नीचे चलो, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली करण माथुर ने दरवाजा लॉक कर दिया, अब हम पर कोई शक नहीं करेगा। एंड थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। राधु काका, मुझे ना आपकी फिक्र हो रही है, करण माथुर को तो पता लगना ही है कि इन सब के पीछे मैं हूं, लेकिन मेरा नाम आते ना वो आप तक भी पहुंचेगा, मैं बता रहा हूं। अजीत बाबा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे पास नौकरी के सिवा खोने का कुछ है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा नौकरी से निकाल देगा, निकाल दे। वैसे ही यह काम करने का दिल नहीं करता, बस मैं चाहता हूं कि आपका और दिया का सपना पूरा हो जाए। होगा राधु काका, जरूर होगा, लेकिन इससे पहले ना करण का गुंडा राज खत्म करना होगा, और आज तो हमारे पास सबूत भी है। एक मिनट, हेलो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कोलकाता बैडमिंटन अकेडमी के चेयरमैन मिस्टर करण माथुर ने अपने ऑफिस में ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश छिपाया है। दिया, यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? भाभी, चाहे मायका हो या ससुराल, लड़की के लाइफ में माँ के प्यार के बहुत मायने होते हैं। माँ के चेहरे पर जो मैं प्यार देखना चाहती थी ना, आज पहली बार उनके चेहरे पर उस प्यार की छोटी सी झलक दिखी। माने दिल से बात की, पहली बार। कब से वेट कर रही थी मैं इस दिन का।
पता नहीं भाभी, मुझे इस बात की खुशी दिल से नहीं हो रही, क्योंकि माँ की खुशी तो अधूरी रह गई ना। मैं अर्जुन को आरती में ला ही नहीं पाई। तुम चलो अंदर, छोड़ो ये सब। चलो तीनों बीबी, बीबी बहुत बहुत यहाँ तक पहुंच चुकी है। मम्मी जी ने आज तक मुझे गहने तक नहीं दिए और उस लड़की दिया को दे दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी दिन ना इस पूरे घर की चाबी उसके हाथ में दे देंगे। ओ फोन यारिका, अपने फिल्मी इमेजिनेशन से बाहर निकलो और मेरी बात सुनो। माधुरी आंटी दिया को अपनी ज्वेलरी गिफ्ट करना चाहती है ना? हाँ। लेकिन बेबी इस बार ना कुछ से बच के रहना पड़ेगा। अब मैं तुमसे तभी बात करूंगा जब उस करण माथुर को सजा दिलवा दूंगा। भाभी वो नहीं उठा रहा है। दिया तुम ये देखो और इनमें से जो भी पसंद है ना वो सिलेक्ट कर लो। ये देखो ये कितना अच्छा है ना। ये नहीं, रुको। हाँ ये वाला, ये दिया मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन अगर माँ के कहने पर भी तुमने ये गहने नहीं पहने तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। और जरा सोचो जब अर्जुन को ये पता चलेगा कि माँ ने तुम्हें तोहफे में कुछ दिया है तो वो कितना खुश होगा। तो अभी बताओ इनमें से तुम कौन से गहने पहनोगी? रुको, वाओ ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो जिस ज्वेलरी को पहन के इतना इतरा रही हूँ ना दिया की बच्ची, वही ज्वेलरी को तुम्हारे गले का फंदा बना दूंगी मैं। हम सब तो नीचे थे और उस तरफ तो मैंने किसी मेहमान को जाते हुए भी नहीं देखा, तो फिर कौन हो सकता है? ज्यादा सोच मत, कुछ नहीं हुआ उसको। लेकिन दादी अर्जुन का नाम लेकर कोई ऐसी बातें क्यों कहेगा, और वो भी इस तरह कि वो बातें सिर्फ दिया सुन पाए। मुझे तो लगता है किसी ने जानबूझकर दिया को। या तो इसके साथ किसी ने मजाक किया है या तो ये ड्रामा कर रही है, और या फिर इसने जो बातें सुनी है वो किसी और अर्जुन को लिखे हो। अरे ये लाइट्स कैसे ऑफ हो गई?
कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया, तू ही धूप तू ही छाया तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानूं बस इतना ही जानूं तुझ में रब लिखता है। मुझे लगा था इन आंखों में नाराजगी होगी, लेकिन इन आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा है। क्या? इंतजार, इंतजार जो कभी खत्म ही नहीं होगा। और अगर इंतजार मेरे लिए था तो बस इंतजार खत्म, आ गया मैं। अर्जुन, क्या हुआ दिया, तुम रो क्यों रही हो? मैं आ गया ना तुम्हारे सामने, लेकिन मानना पड़ेगा जिद्दी तो हो तुम। मुझे धनुषी नाच के लिए मनवा लिया ना, तो ठीक है आज मैं धनुषी नाच करूंगा। देखा माधुरी, आखिरकार दिया ने अर्जुन को धुनीची नाच के लिए मनवा लिया। बेटा तुम नाचने के लिए तैयार हो ही गए? हाँ, मतलब बीवियां तो यही करवाती हैं पतियों से शादी के बाद, तू भी मना नहीं कर पाया। हाँ, लगता है शादी के बाद तुम काफी नाचे हो। अब शुरू करें? हाँ हाँ करते हैं शुरू। दुर्गा माँ, इतने सालों बाद मैं अपने अर्जुन को फिर से धनुषी नाच करते हुए देख पा रही हूँ। जवाब दीजिए मिस्टर माथुर, कहां से आया इतना कैश? खेल भी तेरा है और रूल्स भी तेरे हैं, मैंने तो बस बाजी मारी है। इस बार तो मेरे गुडविल ने तुम्हें बचा लिया,
वरना तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा था आज। लेकिन अगली बार करण, तुम्हारी वजह से अगर मेरे पॉलिटिकल कैरियर पर जरा से भी आंच आई तो मैं भूल जाऊंगा बेटा कि तुम मेरे दामाद हो। परसों दशमी है और उसके बाद कैंप। डोंट वरी सर, कैंप की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सब कुछ प्लान कर लिया है। दिया मुखर्जी को रोकने का प्लान, व्हाट अबाउट दैट? डोंट वरी सर, वो भी हो जाएगा। हो जाएगा कैसे? टेल मी। इतना आसान नहीं है। दिया को रोकने के लिए तुम्हें अर्जुन को रोकना पड़ेगा। 2 दिन है तुम्हारे पास, प्लान करो, उसका रास्ता रोको, ध्यान भटकाओ, जो करना है करो, लेकिन वो कैंप पे नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन के लिए लेट हो जाती है तो उसे डिस्क्वालीफाई करो, और अगर फिर भी कैंप में आ जाती है तो फिटनेस इंस्ट्रक्टर से कहकर उसे फिटनेस में डिस्क्वालीफाई करो, बट शी मस्ट नॉट रीच द कैंप। गॉट इट? नाउ लीव। को ये क्यों फोन कर रहा है? टीना सिंघल, बहुत गहरी नींद से उठा दिया ना, अर्जुन के सपने देख रही थी। राइट, इसके अलावा तुम कर भी क्या सकती हो? अर्जुन तो तुम्हारे लिए अब एक सपना ही है, क्योंकि हकीकत में तो वो तुम्हें मिलने से रहा। शट अप कर, डोंट गेट पोस्टर। अर्जुन और उसकी बीवी को उस घर में रोज देख कर भी तुम्हारी नींद नहीं उड़ जाती तो मैं और क्या बोलूं? एंड यस, इट इज पर्सनल। करण प्लीज, रात के 2:30 बजे मैं कोई लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। कम टू द पॉइंट, क्या बोलना है बोलो। 2 दिन बाद कैंप है, दिया को रोकने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अर्जुन और दिया की सारी बातें, उनके प्लान्स, वो क्या डिस्कस करते हैं, कब कितने बजे घर से निकलते हैं, सब मुझे बताओ। देखो टीना, हम दोनों जानते हैं कि तुम उस घर में रहकर भी दिया के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पा रही हो, लेकिन अब कर सकती हो। गुस्से को ऐसे ठंडा मत होने दो, याद करो अर्जुन ने तुम्हें क्यों छोड़ा था। अर्जुन ने तुम्हें बैडमिंटन के लिए छोड़ा था ताकि वो दिया के बैडमिंटन के सपने को पूरा कर सके। इस मौके को हाथ से मत जाने दो, सपना तोड़ दो। जब सपना ही नहीं रहेगा तो दिया और अर्जुन भी अलग हो जाएंगे और फिर अर्जुन तुम्हारा हो जाएगा। दिया को रोकने में मेरी मदद करो, इसमें हम दोनों का फायदा है। ढाकियों की आवाज। बज गए। ढाकियों की आवाज मतलब पूजा की तैयारियां शुरू हो गई होगी। इसका मतलब दिया भी उठ गई होगी। आई होप उसकी नींद पूरी हुई हो। मैं एक बार देख के आता हूं। दिया, दिया, ये दिया कहां चली गई? अरे अर्जुन, मैं भी तुम्हारे पास ही आने वाली थी। तुमने दिया को कहीं देखा क्या? नहीं, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई। आई गेस पूजा के मंडप में होगी। नहीं अर्जुन, वो वहाँ पर भी नहीं है। इनफैक्ट मैंने पूरे घर में देख लिया है, वो कहीं भी नहीं है। पूजा शुरू होने वाली है, पता नहीं वो तैयार हुई भी है या नहीं। फिर कहाँ पे होगी वो? जिम में होगी आई गेस, वर्कआउट कर रही होगी। मैं देख के आता हूँ। यहाँ पे भी नहीं है, अजीब बात है। यहाँ भी नहीं है? अर्जुन बन्नो ने पीछे वाले गार्डन में भी देख लिया है, वो वहाँ भी नहीं है। तो गई कहाँ? पता नहीं, बात समझ में नहीं आ रही है मेरे।
एक बार फोन देना, लॉक खोल के। अरे फोन स्विच्ड ऑफ है। पिछले बार बिना बताए फूल लेने निकल गई थी, कहीं इस बार भी तो। लेकिन अर्जुन इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बिना बताए कैसे निकल सकती है? हे भगवान, दिया घर से गायब है। जी 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 जी। आखिर अपना असली रंग दिखाई दिया दिया की बच्ची। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये लड़की इतनी सखी सावित्री तो है नहीं। इतनी सारी गहने देख के लालच आ गया होगा मन में, सारे गहने लेके भाग गई होगी कहीं बेचने के। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। वो निहारिका पूछो ना, आंटी मना नहीं करेगी। ऐसी भी क्या बात है भाई, पूछो। मम्मी वो आज पूजा में मैं आपका वो पोलकी वाला डायमंड सेट पहन सकती हूँ क्या? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, जरूर पहन सकती हूँ। रुको मैं दे रही। टीना बेबी, तुमको पता है वो सेट ना पापा जी मम्मी के लिए लेके आए थे, उन्हें गिफ्ट किया था। लो ये रहा वो नेकलेस। अरे नेकलेस तो इसमें नहीं है। अरे यही कहीं होगा, तुम खोजो अंदर, लॉकर में खोजो कहीं और। मैंने तो इसी बॉक्स में रखा था, कहाँ गया? मम्मी जी, आपने लास्ट टाइम ना शादी में पहना था, तो हो सकता है उस टाइम आप टेंशन में थी ना, तो किसी बॉक्स में रख दिया होगा। अब एक बार दूसरे बॉक्स में चेक कीजिए ना। हाँ ये हो सकता है, देखती हूँ। नहीं इसमें तो नहीं है, इसमें तो कुंदन वाला सेट है। ये तो दूसरा सेट है भाई, कहाँ रखा मैंने? अरे ये बॉक्स भी खाली है। इस दौरान तुम ज्यादा ही केयरलेस नहीं हो गई हो? मतलब कहाँ रखा है तुम्हें याद ही नहीं है? ठीक से खोजो। आंटी टेंशन मत लीजिए, कहाँ जाएगी आपकी ज्वेलरी, यहीं कहीं होगी। अब आप याद कीजिए ना, शादी के बाद आपने लॉकर कब खोला था? अब और जहाँ तक मुझे पता है आपके अलावा आपका लॉकर तो कोई नहीं खोलता। मम्मी जी एक बार दीपिका भाभी से पूछ लीजिए ना, शायद उन्हें पता हो। तुम बिया को मेरे कमरे में ले जाओ और उसे जो भी ज्वेलरी पसंद आए पहनने के लिए दे देना। हाँ पिछली बार मेरे कमरे में दीपिका आई थी दिया को लेकर। अब बता बता दिया कहाँ है? सुबह सुबह नशा करके आया है क्या? बकवास बंद कर और सीधा जवाब दे, दिया कहाँ है बता। कल रात से उसे कोई पता नहीं है। तेरी बीवी है, तुझे पता होना चाहिए। करण माथुर, मुझे पता है दिया के गायब होने में तेरा ही हाथ है। ऑफिसर इसे घर की तलाश लीजिए, हमें जरूर यहाँ पे दिया के गायब होने का सबूत मिलेगा। आई एम श्योर। और मुझे पता है इसने इसी ने दिया को किडनैप करवाया है। करण माथुर बता दिया कहाँ है, बता। क्या बकवास लगा रखा है, तेरी बीवी को मैं क्यों छुपाऊंगा? बदला कल रात के रेट के लिए। तो जवाब दीजिए मिस्टर माथुर, कहां से आया इतना कैश? हेलो सिटी मिरर, खेल भी तेरा है और रूल्स भी तेरे हैं, मैंने तो बस बाजी मारी है। आज न्यूज़पेपर में मीडिया वालों ने तेरी रेपुटेशन की धज्जिया उड़ा दी होगी, उसी का बदला लेने के लिए तूने दिया को किडनैप करवाया, मुझे पता है। रेड? कौन सी रेड? और ऐसा क्या लिखा है आज के न्यूज़पेपर में? मैंने तो पढ़ा है। शायद तूने नहीं पढ़ा होगा, रुक देता हूं तुझे।
मैंने दीपिका से कहा था कि दिया को मेरे गहनों में से एक सेट दे पहनने के लिए। तुमने दिया को अपने गहने दिए? हाँ, एक्चुअली मैं चाहती थी कि पूजा में दिया मेरे दिए हुए गहने पहने। मैं दीपिका को बुलाता हूँ। दीपिका, दीपिका। जी पापा। पापा आपने बुलाया? दीपिका, कल रात को तुम इस कमरे में आई थी दिया को लेकर ये ज्वेलरी दिखाने। हाँ पापा, माँ ने बोला था। क्यों, क्या हुआ? ऐसे तो ये ज्वेलरी बॉक्सेस से कितने ज्वेलरी उसने लिए? पापा शायद एक भी नहीं। शायद? शायद का क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं उसने लिए कि नहीं लिए? नहीं पापा, वो मैं ज्वेलरी छोड़कर नीचे प्रसाद देने चली गई थी। Oh my God, माधुरी, I just don't believe it. दीपिका, इतने महंगे ज्वेलरी के साथ तुमने दिया को अकेला छोड़ दिया। लेकिन पापा हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं। जिस मौके का उसे इंतजार था, वो मौका तुमने उसे इस घर में दे दिया। उस लड़की ने मौका पाते ही अपना हाथ साफ कर लिया। इसी मौके के इंतजार में तो थी वो, एक मिडिल क्लास लड़की। यही उसको करना था तो उसने किया। पापा मैं सच बोल रही हूँ, अब मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई गहना नहीं लिया। देखो, मेरा मन नहीं मानता कि तुम गलत हो, लेकिन तुम्हें अपने सही होने का सबूत देना होगा। बताओ हम सबको, बताओ तुम सुबह से कहाँ थी? वो रात को जो बस दिया, पहले अच्छे तरीके से सोच लो, अब कौन सी नई कहानी बताओगे जहाँ तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और तुम सुपर वुमन होके उस मुसीबतों के पहाड़ को तोड़ते हुए इस घर तक पहुंची हो। सोच लिया? लेकिन उसके पहले तलाशी दो। निहारिका। जी पापा। जाओ उसकी तलाशी लो, पहले उसका बैग चेक करो। हाँ हाँ ठीक है, जैसा आप कहें। दिया, I'm really sorry, हाँ मुझे करना पड़ेगा, पापा जी ने कहा है ना, इसलिए। अब क्या है इसमें ना, सबका शक दूर हो जाएगा और तुम्हारी भी भलाई हो जाएगी। तुम बैग दे रही हो या मैं ले लूं? इसमें तो कुछ है नहीं, अब कहीं और चेक वेक करना है क्या? वैसे देखो कितनी शातिर है ये लड़की, मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया। अरे मैं तो भूल ही गया था कि चोर चोरी कर सामान पहले अपने घर पर रख कर आता है। कहाँ रखा है सामान? अपने माँ बाप के घर पे है ना। बस कीजिए पापा, प्लीज बस कीजिए। अर्जुन, तुम चुप क्यों खड़े हो? तुम्हें भी लगता है मैं चोर हूं? तुम्हारी नजरों के सामने मुझे चोर कहा जा रहा है और तुम चुपचाप खड़े होके सुन रहे हो। Thank you.
बात तो सही कह रही है ये दिया की बच्ची, अर्जुन चुप क्यों है? कहीं उसको धीरे धीरे दिया पर शक तो नहीं हो रहा है ना? तुम बस देखती जाओ निहारिका, जल्द ही उसका ये शक यकीन में भी बदल जाएगा। मैंने गलत कुछ कहा क्या? हाँ दिया, तुम्हारे पिताजी जो है वो बेरोजगार है, अब घर के खर्चे जो है वो कहां से आएंगे? किसी ना किसी को तो काम करना ही पड़ेगा, तो तुमने सोचा ये शॉर्टकट ले लेती हूं मैं, एक लंबा हाथ मार लेती हूं मैं। और अर्जुन अग्रवाल तो है ही है ना, और उसका घर भी है अग्रवाल मैंशन, एक बार में साफ कर दो। तो क्या तुमने? बस कीजिए पापा, प्लीज बस कीजिए। आप ये सब कहकर मेरे माँ बाप की परवरिश पर इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, करना चाहती हूँ मैं मदद मेरे माँ बाबा की, लेकिन ऐसे चोरी कर नहीं, अपने बैडमिंटन से। पापा पापा एक मिनट प्लीज, ऐसा भी तो हो सकता है कि दिया को कोई फंसा रहा है। वाह, ये बहुत अच्छा आइडिया तुमने बताया, वेरी गुड आइडिया। सारे देश की जिम्मेदारी तो ये दिया मुखर्जी पर ही है, इसके कितने दुश्मन हैं। अच्छा हुआ खुश, मैंने कभी भी तुम्हें जोर नहीं किया कि तुम मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व रहो। जी पापा, पापा हो सकता है मैं लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हूँ, भैया जैसा बिजनेस नहीं संभाल पाता, लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छे से आता है और वो है इंसान पहचानना। या ऐसा कभी नहीं कर सकती। अर्जुन तू चुप क्यों है? सब दिया को ब्लेम करे, तू खड़ा है कुछ बोल नहीं रहा। प्लीज अर्जुन कुछ तो बोल। बहुत अच्छी बात है, मैंने तुमसे ओपिनियन मांगा क्या? जब नहीं मांगा तो अपनी ओपिनियन क्यों दे रहे हो? I don't want your opinion. Now just shut up. बताओ दिया मुखर्जी, this is my last warning to you. तुम जवाब दोगी या पुलिस आके तुमसे सवाल करे?